मीनल के ससुराल में मीनल की सास पुष्पा और उनके साथ मीनल की जेठानी कीर्ति भी रहा करती थी। मीनल का पति अमित बहुत ही सीधे साधे नेचर का इंसान था। घर के बाकी लोग भी बातचीत करने में बहुत ही सरल और सीधे थे, लेकिन मीनल शुरू से ही काफ़ी तेज और ताने मारने वाली लड़की थी। उसे सीधे मुँह किसी से बात करना आता ही नहीं था, ना ही घर के काम करने में उसकी कोई खास दिलचस्पी थी। इसी के चलते मीनल ने अपने ससुराल वालों की नाक में दम करके रखा था। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी आज आपका व्रत है ना, मैंने आपके लिए साबुदाने की खिचड़ी और बाकी सारी चीज़ें बना दी हैं, आज दोपहर में वही खाना। अरे वाह बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, सुबह सुबह ही मेरे लिए सब कुछ बना कर रख दिया। अब जिसको दोपहर में किटी पार्टी करनी हो वो तो खाना सुबह सुबह ही बना कर रखेगा ना। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि मम्मी जी अपना व्रत सुबह सुबह नहीं बल्कि शाम को खोलेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मीनल, मैंने ये सोचकर खाना सुबह सुबह नहीं बनाया, बल्कि मुझे लगा कि व्रत का खाना इस घर के बाकी लोगों को भी पसंद है, थोड़ा वो भी खा लेंगे और बचा हुआ मम्मी जी खा लेंगी। अरे वाह, व्रत में बचा हुआ खाना खिलाएंगे आप मम्मी जी को? भैया ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना, ये बात तो आज पहली बार आपके मुँह से सुन रही हूँ। मुझे ये तो पता था कि जिसका व्रत होता है वो ताज़ा बना हुआ खाना खाता है, वो भी किसी के खाने से पहले। आपकी मुझसे नई बात सुन रही हूँ आज। अरे क्या फर्क पड़ता है बहू, और तुम अपनी जेठानी से इस तरह ताने मार कर बात क्यों कर रही हो बेटा? अरे मम्मी जी, इस पर ताने मारने वाली क्या बात है, अब सीधी सीधी बात करना कोई ताने मारना थोड़ी ना होता है, क्यों भाभी? हाँ मीनल, कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद मीनल की सास पुष्पा मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो जैसे ही नई साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली, मीनल की नज़र उन पर पड़ गई। मम्मी जी, आप तो ऐसे तैयार हुई हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे ऐसी सुर्ख लाल रंग की साड़ी, वो भी इस उम्र में। क्या बात है मम्मी जी, आप तो कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं। अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये लाल रंग कुछ ज़्यादा ही मुझ पर लग रहा है। वो कीर्ति अपने मायके से लेकर आई थी तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगेगा, और अगली बार और भी साड़ियाँ लेकर आएगी, क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने तो बस कीर्ति बहू का दिल रखने के लिए साड़ी पहनी थी। रुको, दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। इतना कहकर पुष्पा फिर से अपने कमरे के अंदर चली जाती है, और इस बार वो बहुत ही हल्के रंग की साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे मम्मी जी, आपने व्रत रखा है, मंदिर पूजा करने जा रही है, किसी के यहाँ मातम में थोड़ी ना जा रही है, ये क्या सफेद रंग की साड़ी पहन कर चली आई आप? अब और क्या करूँ, लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ तो कहती हो कि नई नवेली दुल्हन लगती हूँ, अब सफ़ेद पहनी तो कह रही हो मातम मनाने जा रही हो, अरे आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ बस ये बात भी सही है, जिन लोगों को कपड़े पहनने का सलीखा पता नहीं होता ना, उनके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। हाँ वैसे मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। ये सारा डिस्कशन ना आप कीर्ति भाभी से कर लेना, उनके पास तो कोई काम धाम है नहीं, मुझे तो बहुत काम करने हैं। अगले दिन जब कीर्ति ने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बहुत सुंदर थी और कीर्ति उसे घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहती थी, इसलिए वो पेंटिंग लेकर पुष्पा के पास आई। मम्मी जी, ये पेंटिंग हमारे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी ना, आप ही बताइए कैसी है। अच्छा ये पेंटिंग है क्या? मुझे लगा आपने ऐसी टाइम पास करने के लिए ब्रश को कलर में डाल कर कुछ भी बना दिया। वैसे आजकल आप इन्हीं सब में लगी रहती है ना, तो भी मैं सोचूं आजकल भाभी किचन में तो नजर ही नहीं आती। दोनों टाइम का खाना कीर्ति बनाती है और तुम कह रही हो वो किचन में नजर नहीं आती, कैसी बात करती हो मीनल बहू। अरे मैं तो बस ये कह रही थी मम्मी जी कि अब भाभी ये पेंटिंग यहाँ लगा देंगी, सब आते जाते पूछेंगी किसने बनाई किसने बनाई, फिर 10 लोग 10 तरह की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे लोग, अरे ये पेंटिंग ही तो है, इसके बारे में क्या बात करना। हाँ भाभी है तो पेंटिंग ही, लेकिन बुरा मत मानना। अब देखिए इस पेंटिंग में जो औरत है उसकी शक्ल देखी, कोई इसकी नाक में नुक्स निकालेगा तो आँख में, वैसे मुझे ना इसकी होंठ कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहे हैं।
अरे मीनल बहू, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर बेकार की बातें बना रही हो। अगर पेंटिंग के बारे में इतना ही पता है तो खुद क्यों नहीं बनाकर दिखाती? ओह मम्मी जी, अब तो बुरा मान गई। वैसे भी मैं ना घर के कामों पर ध्यान देती हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करती। इतना कहकर मीनल वहाँ से चली जाती है। पुष्पा और कीर्ति उसे देखते रह जाते हैं। हे भगवान, क्या बहू मिली है मुझे, जब देखो तब ताने मारती रहती है। अगले दिन सुबह के वक्त पुष्पा के पास अपने भाई विनोद का फोन आता है। विनोद पुष्पा के घर आ रहा था। ये खबर पुष्पा ने जल्दी से अपनी दोनों बहुओं को सुना दी। अरे मीनल, कीर्ति, यहाँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बताऊँ, बात ही ऐसी है, मेरा भाई है ना विनोद, वो मुझे मिलने आ रहा है। इतने दिनों के बाद मामा जी को अपनी बहन की याद कैसे आ गई? अरे अब तुम अपने ताने अपने पास रखो और ये सोचो मामा जी के लिए क्या बनाओगी खाने में। अच्छा, तो वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं? मुझे लगा उनको आपसे मिलना होगा। वैसे ज़माना ना बहुत बदल गया है, आजकल लोग किसी से मिलने नहीं बल्कि खाना खाने ही उनके घर जाने लगे। ऐसी बात नहीं है मिनल, लेकिन मामा जी हमारे घर आएंगे तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा तो बनाना ही होगा ना। वही तो, कीर्ति ठीक कह रही है, तुम दोनों ना पनीर पुलाव पुड़िया कचौरी गुलाब जामुन और खीर ये सब बना लेना, ठीक है? ऐसा लग रहा है मामा जी अपने साथ 10-20 और भी मामा जियों को लेकर आ रहे हैं। हे भगवान, कैसा बोलती हो तुम मीनल बहू। पर मीनल का कोई इलाज नहीं है। अगले दिन पुष्पा का भाई विनोद यानी कि मामा जी पुष्पा के घर आ जाते हैं और उनको सारा खाना परोसा जाता है। अरे दीदी, इतना सारा खाना, ये सब किसने बनाया? और कौन बनाएगा भैया, मेरी दोनों बहुओं ने बनाया। मम्मी जी ये कहिए कि बनाया नहीं, आपने बनवाया है। क्या कहना चाहती हो मीनल बहू? अरे आप नहीं जानती मामा जी, आपके आने की खबर सुनकर तो मम्मी जी ने इतने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया था हम दोनों को, जैसे हम दोनों बहुएं नहीं चलते फिरते रेस्टोरेंट है। इसकी बातों पर ना ध्यान मत दो, इसे मजाक करने की आदत है, छोटी बहू है ना घर की, कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं विनोद, इसकी बात का बुरा ना मानना। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात करती हो, आपकी बहू मेरी भी तो बहू है ना, इनकी बातों का बुरा क्या मानना। वैसे मामा जी शाम को आप क्या खाएंगे, छोले भटूरे पाव भाजी दाल मखनी या फिर सारा बना दो? अब आप घर पर आए तो एक दो चीज़ से तो काम चलेगा नहीं, हमने तो सुबह के वक्त भी घर को पूरा का पूरा 5-स्टार होटल बना दिया है, शाम के वक्त भी 2-3 स्टार तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे सुमर में ना मुझसे ये सब नहीं खाया जाता, इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस खाने में से भी बहुत थोड़ा सा खा पाऊँगा। मम्मी जी जब मामा जी इतना खाना खाते ही नहीं तो बनवाने की क्या ज़रूरत थी? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आपको दिखावा करना था ना कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं बहू, लेकिन घर में जब मेहमान आते हैं तो 10 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हाँ बात तो सही है मम्मी जी, वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो सिर्फ ऑर्डर देना होता है ना। अरे बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे सारा का सारा खाना तुमने बनाया है। बनाया नहीं तो क्या हुआ, कीर्ति भाभी को बनाते हुए तो दिखा है ना। बेचारी कीर्ति भाभी से पूछो जरा, उनके हाथों में कितना दर्द हो रहा है। खुद खाना बनाया भी नहीं और दूसरों के लिए भी अपने ताने मारने की आदत को छोड़ने को तैयार नहीं थी मीनल। खैर मामा जी तो चले गए। कुछ ही दिनों में पुष्पा का जन्मदिन आने वाला था तो कीर्ति ने अपनी सास के लिए जन्मदिन की पार्टी रखने के बारे में सोचा। कीर्ति कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में जुट गई थी, उसने खुद अपने हाथों से पुष्पा के लिए केक बनाया था। बर्थडे वाले दिन कीर्ति ने पुष्पा की कुछ खास सहेलियों को इनवाइट किया। इन सब तैयारियों के दौरान हमारी मीनल कोई काम नहीं करती थी। हाँ मम्मी जी, ये देखिए मैंने आपके लिए केक बनाया है। केक को देखते ही जहाँ बाकी के सब लोग खुश हो रहे थे वहीं मीनल जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीनल ऐसे क्यों हंस रही हो,
क्या बताऊँ मम्मी जी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। ये केक बनाने के लिए गई थी भाभी, इतने दिन से पागलों की तरह लगी हुई थी। मुझे तो लगा कि न जाने कीर्ति भाभी मम्मी जी के लिए क्या बना रही है। अरे इतने प्यार से मेरी बहू ने मेरे लिए केक बनाया और तुम उसे ताने मार रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। खुद तो कुछ करती नहीं और कीर्ति को हर काम के लिए ताने मारती रहती हो। अपनी सास की बात सुनकर मीनल चुप हो गई। पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। मीनल के पार्टी वाले बिहेवियर से पुष्पा और कीर्ति दोनों ही बहुत अपसेट थे, लेकिन उन्होंने मीनल से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद पुष्पा ने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ रोज सुबह योगा करने का प्रोग्राम बनाया। ये खबर जैसे ही मीनल के कानों तक पहुंची तो वो भी अपनी सास के पीछे पीछे पार्क में पहुंच गई और अपनी सास को सबके साथ योगा करते हुए देखने लगी। अपनी सास को पार्क में देखकर मीनल अपने घर लौट आई। जब मीनल की सास पुष्पा अपने घर आई तो मीनल ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मम्मी जी बात तो सही है, सुबह सुबह घर से निकल जाओ ना तो काम से भी फुर्सत मिलती है और सेहत भी बनी रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? अरे मम्मी जी यही कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस सुबह सोकर उठती है और निकल जाती है जूते पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने। मैं अपनी सहेलियों से मिलने नहीं जाती बहू, योगा करने जाती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, अब अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाऊँगी। मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप सारा दिन काम करती हैं। घर में सारा काम तो मैं और कीर्ति भाभी करते हैं। तेरे जैसी ताने मारने वाली बहू के साथ तो मैं काम कर भी नहीं सकती। अगर रसोई में आई तो तू पूरा दिन मुझे ताने ही मारती रहेगी। हाँ मम्मी जी बहाना अच्छा है वैसे काम से बचने का। ठीक है आज मैं रसोई में जाती ही नहीं हूँ, आज आप अपनी पसंदीदा बहू कीर्ति भाभी के साथ जाकर रसोई में काम कर लीजिएगा। आपको ना कोई ताने मारेगा और ना ही आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ और तुम्हें भी काम करने से मुक्ति मिल जाएगी है? लेकिन ठीक है आज तुम रसोई से दूर ही रहो, आज मैं और कीर्ति मिलकर खाना बनाएंगी। इतना कहकर पुष्पा रसोई में पहुंचती हैं जहाँ कीर्ति पहले से खाना बना रही थी। अरे कीर्ति बेटा क्या बना रही हो? मम्मी जी मैं सैंडविच बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। आप रसोई में क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ खीर बना दूँ, बहुत वक्त हो गया मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया। तभी वहाँ पर मीनल भी आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है। हाँ भाभी काम करना बंद कर दिया जाए ना तो जैसे मशीन को जंग लग जाती है वैसे इंसान को भी लग जाती है। मम्मी जी को कुछ काम करने दो। मीनल मम्मी जी तुमसे तो ज़्यादा ही काम कर लेती हैं। रहने दीजिए भाभी, आपका काम तो मैं मम्मी जी के जन्मदिन पर ही देख चुकी हूँ और मम्मी जी का काम रोज़ सुबह पार्क में देख कर आती हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी है अपने आप पर, क्यों मम्मी जी? जाओ जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मुझे यहाँ आराम से अपना काम करने दो। परी हूँ मैं। अपनी सास की बात सुनकर मीनल वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खीर का निवाला मुंह में डालते ही मीनल मुंह बिगाड़ती है। मम्मी जी आपने खीर बहुत टेस्टी बनाई है, आज कितने सालों के बाद आपके हाथ की खीर खा रही हूँ मैं। हाँ मुझे भी लग रहा है कि मम्मी जी को ना खीर बनाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? वो क्या है ना मम्मी जी, आपको शायद अब किचन में काम करने की आदत नहीं रही ना, मेरा मतलब खीर का स्वाद चक्कर तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे लेकिन खीर तो बहुत अच्छी बनी है मीनल। अरे भाभी लगता है आपको खीर का असली स्वाद पता नहीं, आपने कभी खीर खाई नहीं होगी ना, इसलिए ये खीर आपको अच्छी लग रही है। और इस तरह से मीनल बात बात पर सबको ताने मारती थी। इस बात का पुष्पा को बहुत बुरा लग रहा था, उसे मीनल को सुधारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मीनल सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में एक बहुत ही कड़क मिजाज दिखाई देने वाली बुजुर्ग सी औरत बैठी हुई है। आओ बहू इनके पैर छुओ, तुम इनसे कभी मिली नहीं ना, ये दूर के रिश्ते की बुआ जी हैं। आजकल तो पास के रिश्तेदार घर नहीं आते तो दूर के रिश्तेदारों को कोई कैसे पहचानेगा। ये कैसे पैर छू रही हो, तुम्हें ठीक से पैर छूना नहीं आता क्या? जाओ
मेरे लिए बढ़िया अदरक की चाय बना कर ले आओ। मीनल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चाय पीने के बाद बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए मीनल की तरफ देखती हैं। क्या हुआ बुआ जी? चाय में अदरक डाला है या अदरक में चाय? लगता है अदरक कुछ ज्यादा ही सस्ती है इन दिनों। नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। पाँव में मेहंदी नहीं लगी ना, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ये भगवान, ये बुआ है या तानों की दुकान? सीधे मुँह तो बात ही नहीं करती, और ये ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने क्या किया? बुआ जी जैसे ही बाथरूम में पहुंची, वैसे ही मीनल को जोर से आवाज देने लगी। मीनल घबराते हुए उनके पास पहुंची। क्या हुआ बुआ जी? तुम अपने घर में चाय से नहाती हो क्या? नहीं तो बुआ जी, अब क्या कहना चाहती हैं? इतना गर्म पानी भर कर रखा है चाय जैसा, क्या है ये? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। अंग्रेज चले गए, पर सॉरी का ठेका तो हमारी मीनल बहू को देकर गए। बुआ जी के ताने मारने की आदतों से अब मीनल परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी उससे चाहती क्या थी। लेकिन इन सब में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि बुआ जी से बचने के लिए मीनल घर के कामों में अपने आप को बिजी रखने लगी, और अब वो किसी से ताने मारकर बात भी नहीं करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मीनल आराम से अपने कमरे में बैठी थी, तो पुष्पा ने उसे आवाज़ दी। अरे मीनल बहू, ज़रा बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? जाकर छत से कपड़े ले आओ बेटा। मम्मी जी, आप कीर्ति भाभी को बोल दो ना, वो ले आएंगी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? हाँ, जाकर ले आओ कपड़े। देखो बहू, कभी भी बारिश आ सकती है, जाओ जल्दी करो। मम्मी जी, अभी तो नहीं लग रहा बारिश आएगी, थोड़ी देर में लाती हूँ ना। तो क्या बारिश का इंतजार करोगी? कब बारिश बरसे, कब कपड़े उतारने जाओ। जाती हूँ बुआ जी। अगले दिन बुआ जी अपने घर वापस लौट जाती है। सुबह सुबह कीर्ति चाय लेकर अपनी सास के पास आती है। अरे मीनल, आज तुम जल्दी उठ गई, लो तुम भी चाय पी लो। थैंक यू भाभी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। मीनल बहू, आजकल तो तुमने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, कीर्ति भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या मम्मी जी, आधा काम तो कीर्ति भाभी ही करती हैं, मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसी जेठानी तो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा अब आप लोग चाय पीजिए, मैं ज़रा नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर मीनल वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पुष्पा और कीर्ति उसे हैरान होकर देखते हैं, लेकिन अगले ही पल पुष्पा मुस्कुराने लगती है। मम्मी जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये करेले जैसी जुबान से शहद कैसे टपक रहा है? कीर्ति की बात सुनकर पुष्पा हंसने लगती है। ये सब बुआ जी के तानों का असर है, जैसे जहर जहर को काटता है ना, वैसे ही बुआ जी के तानों ने मीनल के तानों को खत्म कर दिया। और जानती हो, ताने मारने वाली बुआ को मैंने जानबूझकर घर बुलाया था। प्रकृति को बचपन से ही खतरों के खिलाड़ी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था। और फिर एक दिन प्रकृति की माँ कहती है, अरे बेटा, तेरी शादी के लिए लड़का फाइनल कर दिया है, चाहे तो देख ले। अच्छा अम्मा, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं देखूंगी। अरे सोचो तो, क्या तूफानी होगा जब अचानक से पति का चेहरा मैं देखूंगी। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन लड़का बोल रहा था कम से कम फोन पर तो हम दोनों बात कर ले। हाँ तो ठीक है ना, दे दो नंबर और बोलना रात को 12 बजे के बाद कॉल करे। अरे कैसी बात कर रही हो, अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेगा, कैसी लड़की है? यही तो तूफानी है। अरे दिन में या सुबह तो हर कोई बात करता है, लेकिन होने वाले पति से रात के 12 बजे खतरों के खिलाड़ी ही बात करते हैं माँ। प्रकृति की डिमांड देखकर लड़के को हैरानी होती है। फिर उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया भाई, शादी तय हो गई है तो क्यों दुखी लग रहा है? अरे यार, वो मेरी होने वाली बीवी मिलना ही नहीं चाहती शादी से पहले। तो अच्छा है ना, हो सकता है कि पहले कभी लड़कों से ना मिली हो, थोड़ी दबे हुए नेचर की हो। अरे लेकिन जब मैंने उसकी माँ से उसे फोन पर बात करने को कहा तो कहती है कि रात के 12 बजे फोन करे। अब बता यार, ये क्या बात होती है?
अरे हाँ भाई, ये तो बड़ी अजीब लड़की है। खैर चल छोड़, शादी के बाद समझ लियो। विकास और प्रकृति की शादी हो जाती है शादी के बाद। क्या बात है, शादी की रात पंडित जी फेरों के लिए बुला रहे थे लेकिन तुम बड़ी देर में आई। क्यों शादी नहीं करना चाहती थी क्या? अपना फोन देखा था तुमने, कितने कॉल किए थे मैंने, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो तो बैंड बाजा की आवाज में सुनाई नहीं दिया, पर हुआ क्या था, बात क्या करनी थी, बताया नहीं तुमने। अरे मैं क्या चाहती थी कि हम भाग कर शादी करें। वो क्या है ना, ऐसे समाज और परिवार के सामने साथ फेरे लेकर तो दुनिया शादी करती है, लेकिन हम लोग कुछ अलग करते तो कुछ मजा आता ना। अच्छा ही हुआ फिर कि मैंने फोन नहीं उठाया, अरे मैं नहीं कर सकता ये सब काम। क्या कह रहे हो, मैंने तो सोचा था कि मेरा होने वाला पति भी मेरी तरह सब कुछ हट कर करेगा, लेकिन हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ये बोरिंग इंसान से शादी हो गई। ए हेलो, बहुत एडवेंचर किया है मैंने लाइफ में, पता है क्या, मंकी जंपिंग से लेकर स्काई ड्राइव कर चुका हूँ मैं। अरे रोहित शेट्टी का खतरों का खिलाड़ी नहीं देखते हो क्या? अच्छा सुनो, चलो ना रात को कहीं घूमने चलते हैं। रात को नहीं, सुबह सुबह चलेंगे, अभी यार सेफ नहीं होता बाहर जाना। वही तो कर रहा है, जो सेफ है वो तो सब करते हैं, मैं तो वही करती हूँ जो सेफ ना हो, बोले तो तूफानी। विकास क्या करता, नई नई बीवी के सामने एक ना चली। अरे ठीक है बाबा ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो पूछ लूँ। अबे फिर वही गलती, क्यों पूछना है माँ से, एक दो घंटे में वापस आ जाएंगे, वो दिख रही है ना खिड़की, बस वहीं से होकर निकलते हैं। विकास और प्रकृति घर में किसी को बिना बताए खिड़की से चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में यू लड़की के साथ घूमते देख एक हवलदार उन्हें रोकता है। ए लड़के इधर आ, कहाँ रात में घूम रहा है और ये लड़की कौन है, है बताओ क्या। हे भगवान कितना तूफानी है ना ये पुलिस का केस। अरे चुप रहो, पुलिस वालों को बता देते हैं कि हम मियां बीवी हैं। पागल हो, फिर तो वो हम लोगों को छोड़ देगा, ना डंडा ना जेल। विकास प्रकृति की बात नहीं सुनता और पुलिस वाले से कहता है, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरी बीवी है, हम लोगों की शादी हुई है। अरे क्या सबूत है कि ये तेरी बीवी है? ये इसके हाथ में चूड़ियां देखी। अरे तो शहर में जितनी औरतें चूड़ी पहनकर घूम रही है सबकी सब क्या तेरी बीवी है? प्रकृति फोन पर फोटो दिखाओ ना इनको हमारी शादी की। प्रकृति जिसे तो कुछ तूफानी करना था। कैसी शादी, क्या बात कर रहे हो, अरे शादी होगी तब तो फोटो होगी ना। ये बोलकर प्रकृति विकास को आंख मार देती है। प्रकृति प्लीज ये मजाक का वक्त नहीं है, लेने के देने पड़ सकते हैं। चलो जेल, दोनों एक नंबर के फर्जी लग रहे हो। विकास को आइडिया आता है। माँ मेरी माँ से बात करिए, वो आपको सब सच बता देगी। लेकिन हमारे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, ना ही नेटवर्क आ रहा है, फिर कैसे होगी माँ से बात। माँ का नंबर तो याद होगा ना, ला नंबर दे, मैं लगाता हूँ अपने फोन से। पुलिस वाला विकास की माँ को फोन करता है। हाँ जी, ये आपका लड़का यहाँ आधी रात को एक लड़की के साथ घूम रहा है। माँ जिसे तो कुछ पता ही नहीं था। पागल हो गए हो, अरे किसने भर्ती कर लिया तुम्हें पुलिस की नौकरी में, मेरा बेटा और बहू अपने कमरे में सो रहे हैं। बस जी माँ जी यही जानना था। विकास पीछे से चिल्लाता है, माँ अरे माँ सुनो तो माँ। चलो चलो जेल चलो। जेल, वाह वाह वाह, अरे विकास तेरे नाम फिल्म देखी थी क्या, उसमें सलमान खान जेल में रहता है, बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। विकास तुम भी ना किसी हीरो से कम नहीं लगोगे। विकास को लेकर पुलिस वाला जेल जाता है, जहां वो लोग पूरी रात जेल में ही रहते हैं। सुबह प्रकृति के पापा उन लोगों को छुड़वाने आते हैं।
क्या विकास, ये क्या हरकत है तुम लोगों की? ऐसा कौन करता है बेटा? पूरी रात मेरी फूल सी बच्ची जेल में रही। विकास को गुस्सा आ जाता है। वो ससुर को सारी बात बता देता है। वो काफी गुस्से में होता है। मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे लड़की से मिलना है। वो तो अब समझ में आया कि लड़की से क्यों नहीं मिलवा रहे थे आप लोग। ये लड़की पागल है इसीलिए ना। हो गया विकास, इतना क्यों भड़क रहे हो? वैसे भी कितना मजा आया ना रात भर जेल में रहकर। चलो अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। कुछ और तूफानी कर लो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी बेटी यहाँ क्यों रहेगी? पुलिस वाले से झूठ बोलने के जुर्म में। चलो तुम अंदर। प्रकृति रोने लग जाती है। नहीं नहीं, मैं इनके बिना जेल में नहीं रहूंगी। लेकिन मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, झूठ तुम बोल रही थी। तूफानी करने का शौक तो तुम्हारा है ना, चलो आप अंदर। प्रकृति की हालत रोने वाली हो जाती है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं तो बस ऐसे ही मजे लेने के लिए। अरे माफ कर देना बेटा, आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी पक्का। क्यों प्रकृति, क्या बोल रहे हैं ससुर जी? करोगी अब कोई आगे से ऐसी हरकत? नहीं, मुझे माफ कर दो, ऐसी क्या मैं वैसी कैसी जैसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। वो पुलिस वाले को इशारा करता है और पुलिस वाला जेल का दरवाजा खोल देता है। वैसे जेल से भागा कैसे जाता है? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं।